अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो फ्रेंड्स, आप सबका खैर मकदम है। आज हम बना रहे हैं चिकन स्वीट कॉर्न सूप। ये सूप बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रीमी और झटपट सा घर में तैयार हो जाता है और ये सभी को पसंद आता है। बच्चों को, बड़ों को स्वीट कॉर्न सूप बहुत पसंद आता है। इसमें मिर्चें भी बहुत कम होती हैं। ये देखिए बहुत ही टेस्टी ये तैयार है, तो आज हम इसे झटपट तैयार करेंगे। तो चलिए बनाते हैं चिकन स्वीट कॉर्न सूप। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चिकन स्वीट कॉर्न सूप बनाने के लिए मैंने चिकन विद बोन यानी हड्डी वाले चिकन ली है, क्योंकि हड्डियों का भी जूस बहुत अच्छा आता है सूप में। तो ये देखिए 250 ग्राम्स मैंने चिकन लिए, इसे अच्छे से वॉश कर लिया है और उसके साथ साथ ये मैंने फ्रेश स्वीट कॉर्न लिए हैं। एक भुट्टे में से स्वीट कॉर्न निकाल लिए हैं और ये है एक छोटा चम्मच नमक और एक छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। और इसके साथ ही हम दूसरी चीज़ें इसमें लाएंगे। तो ये पहले देखिए ये स्वीट कॉर्न है, इसको मैं पेस्ट बनाऊंगी। तो मैंने इसे मिक्सी में डालकर थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से ग्राइंड कर लिया और ये देखिए बहुत ही बेहतरीन इसका पेस्ट तैयार है। इसके साथ ही ये मैं ले रही हूँ 2 बड़े चमचे कॉर्नफ्लोर, 1 छोटा चम्मच मक्खन, 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्ची कुटी हुई और 1 अंडा। अब हम सबसे पहले कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर तैयार करेंगे। तो कॉर्नफ्लोर में मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, इसे अच्छे से हम पानी में मिक्स करके इसका घोल तैयार कर लेंगे। मिक्सचर तैयार करके इसे साइड में रख देंगे। इसे हमें आखिर में सूप में मिलाना होगा, इसके मिलाने से सूप जो है फौरन गाढ़ा हो जाता है। तो इसे मैंने रेडी कर दिया, अब मैं इसे साइड में रखती हूँ और हम बाकी की चीज़ें करते हैं। ये देखिए मैंने चिकन को अच्छे से वॉश कर लिया, अब मैंने इसे पैन में डाला। 250 ग्राम चिकन मैंने ली है, अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ तकरीबन 1 लीटर, 4 बड़े कप मैंने इसमें पानी डाल दिए। ये चिकन का सूप जो काफ़ी देर तक कुक होगा, इसीलिए मैं इसमें इतना पानी डाल रही हूँ, क्योंकि ये काफ़ी आगे चलकर गाढ़ा हो जाएगा। मैंने इसमें डाला 1 छोटा चम्मच नमक और 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने डाल दी इसमें। अब हम इसमें मिलाएंगे, ये देखिए स्वीट कॉर्न का जो पेस्ट मैंने तैयार किया था मिक्सी में वो मैंने इसमें डाल दी। थोड़े से स्वीट कॉर्न मिट्टी भर के मैंने अलग रख दिए हैं, वो मैं बाद में सूप में मिलाऊंगी। ये पेस्ट जो था स्वीट कॉर्न का मैंने इसमें मिला दिया, बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लिया। आप चाहें तो स्वीट कॉर्न डब्बे का, टिन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर फ्रेश स्वीट कॉर्न इस्तेमाल कर रही हूँ। ये आप फ्रोज़न स्वीट कॉर्न भी ले सकते हो, जैसे आपकी मर्ज़ी। अब इसे हम ढक देंगे और जब इसमें उबाल आ जाएगा तो अब इसे हम ढक कर 10 मिनट तक तकरीबन मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे ताकि चिकन अच्छे से टेंडर हो जाए। ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, चिकन बिल्कुल अच्छे से गल चुकी है, टेंडर हो गई है। मैंने फ्लेम को बंद कर दिया। अब तमाम चिकन के पीसेस निकाल लेंगे हम और इसमें से हम चिकन को श्रेड कर लेंगे, इसकी हड्डियां अलग कर देंगे और गोश्त अलग कर लेंगे। तो ये देखिए अब इस ये जो सूप है इसे हम छान लेंगे, ये चिकन को हम डिबोन कर देंगे। ये देखिए चिकन को मैंने अच्छे से श्रेड कर लिया है ताकि कोई हड्डी सूप पीते वक्त मुँह में ना आए। इसके मैंने छोटे छोटे पीसेस रखे हैं चिकन के और साथ में मैंने सूप को छान लिया, छन्नी में डालकर सूप को मैंने छान लिया। ये देखिए ये जो एक्स्ट्रा जो है ये स्वीट कॉर्न का छिलका ये हम डिस्कार्ड कर देंगे और ये हमारा बिल्कुल स्मूथ सा सूप हमारे पास तैयार है। अब इसके अंदर मैं मिला रही हूँ 1 मुट्ठी स्वीट कॉर्न। ये जब सूप पीते वक्त ये जब मुँह में आते हैं तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। 1/2 छोटा चम्मच मैंने इसमें मिलाए काली मिर्चें कुटी हुई, काली मिर्चें ज़्यादा ना डालें नहीं तो सूप का जो रंग है वो ख़राब हो जाएगा। काली मिर्चें डालने के बाद इसमें मैं मिला रही हूँ चिकन, थोड़ी सी चिकन मैं साइड में रख रही हूँ गार्निशिंग के लिए। हाँ, ये चिकन मैंने मिला दी सूप में। अब इसे हमें कुछ देर के लिए कुक करना है क्योंकि इसमें हमने स्वीट कॉर्न डाला है। तकरीबन इसे सिर्फ हम 5 मिनट के लिए ही कुक करेंगे, ज़्यादा देर नहीं। 5 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए कॉर्न जो है बिल्कुल अच्छे से गल चुके हैं, सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैं इसमें मिला रही हूँ कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर।
कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर को हमने पानी में घोला था उसे मैं मिला दी। इसके मिलाते वक्त हम स्पून को लगातार चलाते रहेंगे, नहीं तो सूप में जो है गुठलियाँ बन जाएगी। ये देखिए स्पून को इस तरह चलाएंगे, बिल्कुल क्रीमी सा, बिल्कुल गाढ़ा सा हमारा टेस्टी सूप तैयार है। ये देखिए काफ़ी टेस्टी है, बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। अभी इसमें कुछ चीज़ें बाकी हैं तो हम इसमें डालेंगे अंडा। ये देखिए अंडे की हमें सिर्फ सफ़ेदी लेनी है, तो अंडे का मैंने ऊपर का हिस्सा थोड़ा सा तोड़ दिया और सिर्फ मैं इसकी अंडे की सफ़ेदी डाल रही हूँ। कुछ देर के लिए हम सूप को बिल्कुल नहीं चलाएंगे ताकि जो अंडे की सफ़ेदी है वो बिल्कुल अच्छे से कुक होकर थ्रेड का लुक देने लगे। ये देखिए फ्लेम मैंने मीडियम ही रखी है, अंडा अच्छे से कुक हो चुका है, इसके थ्रेड जैसे बन गए हैं। अब हम इसे चलाकर मिक्स कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल ही टेस्टी सूप तैयार है। अब आखिर में एक चीज़ मैं मिलाने जा रही हूँ जिससे सूप बहुत ही टेस्टी लगता है, लेकिन ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं चाहते तो नहीं डालें। ये है बटर। हम आखिर में जब सूप तैयार हो जाएगा तो इसके अंदर डालेंगे 1 छोटा चम्मच बटर यानी मक्खन। इसके डालने से सूप का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये लीजिए सूप हमारा तैयार है। अब हम इसकी गार्निशिंग की तैयारी करेंगे। तो ये बटर मैंने मिला दिया, अब गर्मा गर्म हम सूप निकालते हैं और फिर इसको आपको गार्निश करके भी बताते हैं कौन से सॉस से इसे हमें सर्व करना है। तो ये देखिए इसमें बॉईल आ चुका, अब मैं फ्लेम को बंद कर रही हूँ और इसे हम गर्मा गर्म निकालते हैं। आखिर में मैं इसमें मिला रही हूँ 1 चम्मच विनेगर, ये मैं बताना भूल गई थी। विनेगर आप जो है सर्विंग के दौरान भी मिला सकते हैं या आखिर में भी थोड़ा मिला सकते हैं। तो ये देखिए मैं इसे निकाल रही हूँ, बहुत ही टेस्टी हमारा चिकन स्वीट कॉर्न सूप तैयार है। ये देखिए अब इसको हम गार्निश करेंगे या सर्व करेंगे सॉस से। तो ये देखिए मैंने लिया है 1 चम्मच चिली सॉस, 1 चम्मच सोया सॉस, हरी मिर्चें बारीक कटी हुई और ये मैंने लिया है विनेगर थोड़ा सा। तो सबसे पहले हम 1 चम्मच विनेगर को चिली सॉस में डालकर इसे थोड़ा सा पतला कर देंगे। ये देखिए तो ये बहुत ही अच्छा चिली सॉस जो है हमारा तैयार हो जाएगा सूप के लिए, बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाता है। ये देखिए बिल्कुल मिक्स हो गया। ये अगर आपको स्पाइसी सूप पीना है तो आप इसे डाल सकते हो चिली सॉस को सूप में, या फिर आप बगैर इसके भी खा सकते हो। अब ये देखिए चिली यानी हरी मिर्चों को मैंने बारीक चॉप कर लिया था और इसे मैंने विनेगर में डाल दिया। ये भी जो है अगर आपको स्पाइसी खाना है तो आप इसे डाल सकते हैं। और ये रहा सोया सॉस। तो चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं। ये मैंने लिया चिकन स्वीट कॉर्न सूप और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ ये देखिए विनेगर एंड चिली, चिली विनेगर भी कह सकते हैं। बहुत ही टेस्टी चिली लगती है ये, खाते वक्त दांतों में आती है तो खट्टी टेस्ट आता है इसका। थोड़ा सा मैंने इसमें डाला सोया सॉस और साथ में हम डालेंगे चिली सॉस। ये लीजिए तैयार है बहुत ही टेस्टी बहुत ही क्रीमी चिकन स्वीट कॉर्न सूप। ये देखिए मैंने इससे चिकन से गार्निश कर लिया। अगर ये रेसिपी हमारी आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर के साथ शेयर करें, लाइक करें, अपना और अपनी फैमिली का खूब ध्यान रखें और साथ में हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।